नोट कीजिएगा, कभी नहीं किया, आपके एक्सप्रेशन खत्म हो जाते हैं, एक सपाट सा चेहरा होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी अपने होंठ मोटे कर लेने चाहिए। वो जाता है फिलर लगवा लेता है, होंठ मोटे हो जाते हैं। ठीक है, समटाइम्स एक्सपेरिमेंट अच्छा होता है, समटाइम्स एक्सपेरिमेंट बहुत बुरा होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं हूं शिकिफा यास्मीन जी। आज मैं इस पार्क में बैठी हुई हूं और हवा बड़ी अच्छी चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है, और एक कहते हैं ना, नेचर नेचर की जो खूबसूरती है उसको मैं एंजॉय कर रही हूं। तो मुझे अभी ख्याल आया कि क्यों ना एक हम टॉपिक पे बात करें, और बड़ा ही हॉट टॉपिक है आजकल का, क्योंकि हॉट टॉपिक पे बात करने का भी मैंने अपना एक स्टार्ट किया है, ताकि आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँच सके घर बैठे कि क्या कुछ हो रहा है। जब हम नेचर की बात करते हैं, नेचर कितना खूबसूरत है। देखिए, यही ग्रीनरी है, ठीक है, एक आर्टिफिशियल ग्रीनरी भी होती है, लेकिन एक नेचुरल ग्रीनरी होती है। तो जिस एनवायरनमेंट में भी मैं बैठी हूँ वो बड़ा नेचुरल है। इसमें कबों की आवाज़ें भी आ रही हैं, कभी यहाँ कोयल भी बैठा करती थी तो कोयल भी बोलती थी। तो ये सब अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं, और क्यों बनाई हैं, हम सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेनिफिट इसमें ज़रूर छुपा हुआ है। और जिस तरह अल्लाह ताला ने हम सबको क्रिएट किया है, तो अल्लाह ताला ने एक खूबसूरती के साथ किया है। कोई इंसान भी बुरा नहीं होता। मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहती कि जी ये बुरा है, ये बदसूरत है, और कहना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि जो चीज़ अल्लाह ने तख्लीक़ की वो कभी बदसूरत हो ही नहीं सकती। अल्लाह ने तख्लीक़ की है तो अच्छी ही होगी। और जब अल्लाह ताला कोई चीज़ तख्लीक़ करता है, उसमें जब इंसान अपनी मदाखलत कर रहा होता है, तो कभी कभी तो वो एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, और कभी कभी बहुत बुरा हो जाता है। और जब बहुत बुरा हो जाता है तो वो रिवर्सिबल नहीं होता, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने बनाया था उसमें आपने डिस्टर्बेंस कर दी। जब आपने उसमें डिस्टर्बेंस कर दी है तो नेचुरली वो चीज़ तो आप वापस नहीं ला सकते। आप लोग सोच रहे होंगे कि शगुफ्ता बात किस टॉपिक पे करने वाली है, जो इतनी इसने तमीज़ बांधी है। तमीज़ मैंने इसलिए बांधी कि बात मैं ज़रूर कहूँगी, लेकिन पहले मैं आपसे ये कहूँगी, देखते रहो कि देखना ज़रूरी है। और देखना क्या ज़रूरी है, आज मैं बात कर रही हूँ फिलर्स बोटॉक्स के हवाले से। आपने देखा होगा कि अब एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जिसको भी अपने आप को खूबसूरत करना है, या वो कहता है कि नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी अपने होंठ मोटे कर लेने चाहिए, वो जाता है फिलर लगवा लेता है, होंठ मोटे हो जाते हैं। ठीक है, समटाइम्स एक्सपेरिमेंट अच्छा होता है, समटाइम्स एक्सपेरिमेंट बहुत बुरा होता है। अगर आप यूरोप से इसको कंपेयर करना चाहेंगे, तो यूरोप में पूरा एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है। जब यूरोप में कोई सर्जरी की जाती है तो कंप्यूटराइज तरीके से पूरी चीज़ें उसको दिखाई जाती हैं। फेस का एक मेजरमेंट होता है, पूरे उस पर निशान लगे हुए होते हैं, यानी कि मार्किंग की जाती है। मार्किंग करने के बाद, यानी कि फिलर लगाने के बाद नहीं कहेंगे ओ आई एम सॉरी आपके होंठ बहुत ज़्यादा गलत हो गए, ऐसी बात नहीं होती है। वहाँ पे सू करने का रिवाज है। पाकिस्तान में जैसा कि आप सबको पता है कि कोई चीज़ पूछी नहीं जाती, जिसका जो दिल चाहता है वो कर देता है, जिसको अपने नाम के पीछे डॉक्टर लगाना होता है वो डॉक्टर लगा लेता है। और अब आजकल एक ट्रेंड बहुत चल गया है, क्योंकि लोग बड़ा ब्यूटी कॉन्शियस होते चले जा रहे हैं। नोबडी इज सेटिस्फाई, कोई भी अपने लुक से इतना सेटिस्फाई नहीं है। कोई कहता है कि मेरी नाक टेढ़ी है, तो कोई कहता है कि जी मेरी आँख में प्रॉब्लम है, कोई कहता है मुझे अपने लिप्स मोटे करने, तो कोई कहता है जी मुझे यहाँ पर थ्रेड करवाना है। ये सारी चीज़ें हैं खूबसूरती के लिए। पहले ये महदूद थी, जो हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस वगैरह हुआ करती थी वो ये सारे काम करवाया करती थी। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक मैकेनिज्म के थ्रू ये काम होता था, कि पूरी मार्किंग होती थी, कंप्यूटर पे आपकी शक्ल जो है वो नज़र आती थी कि प्रोसीजर के बाद आपका लुक जो है वो ऐसा हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं देखा, शायद ही किसी के पास हो, कि वो कंप्यूटराइज उसने लाइसेंस जो होता है वो उसने सॉफ्टवेयर बाय किया हुआ, और आपकी शक्ल जो है वो बनने के बाद क्या बनेगी आपको दिखाया जाए। आई डोंट थिंक सो। आप कहीं पे भी जाते हैं, आप जाते हैं, आप कहते हैं आप अट्रैक्टिव हुए हुए होते हैं कि जी उसने लिप्स मोटे कराए, उस पर अच्छे लगे, मैं भी करा लूँ। एक भीड़ छाड़ का सभी शिकार है, पूरा यूरोप पड़ा है। आप देख लें, एक आम लड़की को मैंने तो नहीं देखा कि वो जाके अपने फिलर्स करवा ले, कॉलेज की लड़की को मैंने नहीं देखा कि वो जाके फिलर्स करवा ले। लेकिन एनी वेज, हर चीज़ का फैशन होता है, तो चलें जी फिलर्स का भी फैशन आ गया। यंग लड़कियां जाती हैं फिलर्स करवाती हैं, होंठ इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, और उसके बाद किसी पे सूट करते हैं, किसी पे नहीं करते। किसी का लगता है जैसे बतख का एक होंठ होता है वैसा बन गया है। अब जब आपको पसंद नहीं आता, आप कहते हैं आप इसको रिवर्स कैसे करें, रिवर्स तो नहीं होता। और फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, थ्रेड है, इन सब का असर टाइम के हिसाब से ख़त्म हो जाता है। इनमें से कोई चीज़ भी परमानेंट नहीं है। अगर कोई चीज़ परमानेंट है तो वो सर्जरी है। आप सर्जरी के प्रोसेस पे जाते हैं, जिसे प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं,
दैट इज परमानेंट, अदरवाइज ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं ये सब टेम्प्रेरी हैं, कोई 3 महीने, कोई 6 महीने, कोई 2 साल, लेकिन उसके बाद आपका चेहरा मजीद खराब होता है। रीजन मैं आपको देती हूँ, मैंने यहाँ पे इंजेक्शन लगवाया, ये जगह मैंने सुजवा दी अपनी, मोटी कर ली, अब क्या होगा यहाँ मेरे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम रहेगी, जब ये इसका असर खत्म होगा तो ये मजीद लटक जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि 3 महीने में से खत्म हुआ, मुझे दोबारा जाना पड़ेगा, मुझे फिर लगवाना पड़ेगा ताकि मैं अपने चेहरे को मेंटेन कर सकूं। अब जिनके पास पैसे हैं उनके पास तो प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़ा आसानी इस चीज़ को करवा लेते हैं, लेकिन वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मिडिल क्लास हैं या थोड़े से अपर मिडिल क्लास हैं, उनके हवाले से मैं बात करूंगी, लोअर क्लास के तो बस से बाहर है। इलीट क्लास है, इलीट क्लास जो है उनकी क्लास ज़रा डिफरेंट होती है, पैसे भी बहुत होते हैं, तो दे डोंट हैव एनी इशू, वो मुल्क से बाहर जाके भी करवा लेता है। चलें जी, वो यूरोप से ट्रेंड चला, चलते चलते हमारे पास आया, और हमारे पास ऐसा आया कि सारे एंकर पर्सन भी करवाने लगे, ये सारे बुटॉक्स सब ने अपने अपने फेस जो है खिंचवा लिए हैं, सारे जितने भी गेस्ट आते हैं उन्होंने भी इंजेक्शन लगवा लिए हैं, मतलब एक ट्रेंड चल पड़ा है। एनीवेज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि जब आप इस तरह से अपनी स्किन को खींचते हैं और यहाँ से आप टाइट करते हैं ताकि आपकी डबल चिन खत्म हो और चेहरे की ब्रॉडनेस खत्म हो, या आप अपनी चिन को एलोंगेट कर लेते हैं, वो तमाम चीजें आर्टिफिशियल है ना, नोट कीजिएगा, कभी नहीं किया, आपके एक्सप्रेशंस खत्म हो जाते हैं, एक सपाट सा चेहरा होता है, बिल्कुल फ्लैट, एक सपाट सा चेहरा आपके पास होता है लेकिन वो एक्सप्रेशन लेस होता है, आपके समझ नहीं आता ये आदमी आपको देख के खुश हो रहा है या इसको नागवारी गुजरी है। आर्टिफिशियल चीज आर्टिफिशियल होती है, सबको पता होता है कि यार इन्होंने करवा लिया। मीडिया के लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि स्क्रीन पे हर कोई चाहता है बहुत देर तक रहे, लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव भी है जिसकी तरफ कोई जाना नहीं चाहता, करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, वो है एक्सरसाइज, जो कि एक हेल्दी सा तरीका है। हेल्दी वे से कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं आप बहुत अरसे तक अपने आप को यंग रख सकते हैं, बहुत अरसे तक अपनी बॉडी जिसके अंदर आप रह रहे हैं उसको बहुत अच्छा रख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हेल्दी एक्टिविटीज़ बहुत कम है, लोग एक्सरसाइज करना नहीं चाहते। एक इंजेक्शन भी गलत वेन पे पड़ गया तो पैरालिसिस हो सकता है, उस जगह की वेन ब्लॉक हो सकती है, और ब्लॉकेज के बाद क्या होता है वो आप सब जानते हैं। लोग सरों पे भी बोटॉक्स लगवा रहे होते हैं, पार्लर्स में लगवा रहे होते हैं, जो कि मैं नहीं समझती, अगर आपको करवाना ही है तो आप किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास चले जाएँ, वहाँ जाके कर लें, ताकि डॉक्टर जो होता है उसे पता होता है कि वेन्स कहाँ जा रही हैं, कहाँ पे मुझे लगाना है, कहाँ पे मुझे नहीं लगाना है। उसके बाद कोई भी ट्रीटमेंट आप कराएं तो फॉर गॉड सेक आप उसका साइड इफेक्ट देखें, जब भी कोई इंजेक्शन कोई दवा आपकी बॉडी के अंदर जाएगी वो साइड इफेक्ट रखेगी, चाहे कोई कितना ही कह दे कि जी साइड इफेक्ट नहीं होता, अगर साइड इफेक्ट नहीं होता ना तो फिर इफेक्ट भी नहीं होता, ये याद रखिएगा, ये एक लॉजिक है कि अगर साइड इफेक्ट नहीं है तो फिर इफेक्ट भी नहीं। तो काइंडली आप कोई भी प्रोसेस करवाएं, कोई भी प्रोसीजर करवाएं, आपको हर हाल में उसके साइड इफेक्ट पढ़ने हैं, गूगल मौजूद है, गूगल कीजिए, उसके साइड इफेक्ट्स पढ़िए। कोई मेडिसिन आपको सजेस्ट की जाती है, आपका पड़ोसी सजेस्ट कर देता है और आप खाना शुरू कर देते हैं, तो इट्स बेटर कि आप पहले उसके साइड इफेक्ट्स पढ़ें कि क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसके बाद आप उस मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कीजिए। बोटॉक्स भी अपना एक रिएक्शन रखते हैं, जहाँ पे वो लगाए जाते हैं वो जगह फ्रीज हो जाती है, वो खिंच जाती है, फ्रीज हो जाते हैं वहाँ के मसल्स, फ्रीज हो जाते हैं, एक टाइम पीरियड के लिए होते हैं, और जैसे वो ख़त्म होते हैं वहाँ पे आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो काइंडली मेरा तो ये सजेशन है, इट इज़ वेरी डेंजरस कि आप बिना सोचे समझे घर में आपने फिलर्स मंगा लिए, कम पैसों में आ रहे हैं और आपने खुद से लगवा लिए, ये सब चीज़ें ना करें, आपकी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ, आप सब रखिएगा अपना बहुत ख्याल, और जो बातें मैंने आपसे की उसको सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि लोग आपको ये चीज़ें नहीं बताएंगे, लोग आपसे ये कहेंगे ये करवा लें, इतनी अट्रैक्शन है कि आप सब वो चीज़ें करवाने के लिए यहाँ से मोटिवेट हो जाते कि जी हमें तो करवाना है, हम तो हसीन तरीन हो जाएंगे। तो इसी को हम मार्केटिंग कहते हैं, वो तो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया यास्मीन को दीजिए इजाज़त, और हाँ देखते रहिए कि देखना ज़रूरी है। बाय फ्रेंड्स।